हाँ है तो ये आपके विरुद्ध झूठे मूठे केस रजिस्टर कराने का भी, किसी को भी पकड़ के कोई झूठा केस रजिस्टर करा देंगे करा देंगे, क्योंकि इनकी दुष्टता का तो कोई सीमा नहीं है ना, नहीं है। इनके तो जो है ना खून की बूंद बूंद में दुष्टता भरी हुई है। हाँ बिल्कुल भरी है, रग रग में। तो इसलिए हमें जो है, जो कहते हैं सतयुगी लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो कि दुखी लोग हैं, जिनके पैर में बीमारी फटी है, जो इस व्यवस्था के जो है ना को भोग रहे हैं, और ये जो सत्ताधारी लोग हैं, यदि और कुछ नहीं तो जो है ना कोई उन्होंने संगठन में अपना नाम, तो संगठन को वो अपने लिए यूज कर रहे हैं, संगठन से उनको एक पदनाम मिल गया है, एक लेटर हेड बना दिया है। आप बताइए कि वो आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, आप बताइए आपका योगदान क्या है? कुछ नहीं, तो फिर स्वार्थी है, स्वार्थी नहीं। लेकिन आपको दो तरीका है, जैसे अज्यूम करिए वाल्मीकि जी ने जब जो है कुछ संतों को ऋषियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई विटाई करके जो है ना उनका वो करने लगा, तो उन्होंने कहा भाई ये दुष्कृत आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप परिवार के लिए कर रहे हैं, जरा परिवार वालों से पूछ के तो आइए कि वो जो है क्या इस दुष्ट कार्य में आपके पाप के भागीदार हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने मुझे मूर्ख समझ के रखा है, मैं यहाँ पूछने जाऊंगा यहाँ तुम भाग लोगे? बोले नहीं नहीं, हम कहीं नहीं भागेंगे, आप हमें बांध के जाइए और हम वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको जो है ना ऋषियों को बांध के जो है ना वो गए, अपने पत्नी बच्चों बच्चों से बातचीत की उन्होंने, तो पत्नी ने कहा कि आप हमारे हस्बैंड हैं, आप मेरे वो पति हैं, मेरा लालन पालन करना तो आपका जिम्मेवारी है, पर भाई आप यदि पाप करोगे तो मैं उसका हिस्सेदार क्यों बनूंगा? आप तो जो संपत्ति लेके आए हैं वो तो मेरे भरण पोषण के लेके आए हैं, जो कि आपका कर्तव्य है, लेकिन हम आपके पाप आपके कोई भागीदार नहीं है, ठीक है ना। बच्चों ने भी यही जवाब दिया। तब वाल्मीकि जी वापस जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं ऋषियों के, कि हमसे गलती हो गई, राइट। उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और फिर वाल्मीकि जी जो ना कितने बड़े ऋषि खुद बन गए, और उन्होंने रामचरितमानस का जो है ना, रामायण का, रामचरितमानस तो नहीं कहेंगे, उन्होंने रामायण का सृजन किया, राइट, और वो अपने आप में ऋषि बन गए। तो हमारा कहना ये है कि जो ये दुष्ट लोग हैं, यदि हम इनकी आत्मा का परिवर्तन कर पाए तो ये ऋषि भी बन सकते हैं। तो हम अपने काम में लगे रहें, और ना, हम तो अपने हमारा जो काम करने का है सर, उसमें तो हम बिल्कुल ढील डालते ही नहीं है, जहाँ हमें मौका मिलता है अपनी बात रख देते नहीं, हैं। नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, इसका तरीका थोड़ा सा दूसरा रखना पड़ेगा आपको। जितना समय अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरा ईमानदारी से करिए, राइट, उसमें कोई कमजोरी मत करिए, राइट। और पहले से तय कर लीजिए कि मुझे जहां जब आपका थोड़ा सा खाली समय ज्यादा होता है उस समय 1 घंटा दे देंगे, 2 घंटे दे देंगे, 3 घंटे दे देंगे, जब आप कृषि में बिजी हैं तो भी आधा घंटे देंगे, राइट। उस आधा घंटे कहाँ पे देंगे ये पहले से एक चूसी बना लीजिए, उन लोगों को पहले मैसेज करिए कि हम लोग बैठेंगे, राइट। उन वीडियो ऑडियो को जिन्होंने आपको प्रभावित किया है उनको पहले से चिन्हित कर लीजिए, राइट, उनको सुनाइए, इसके बाद उस पर परिचर्चा करिए और फिर उनको जोड़िए, और जब क्राइम फ्री भारत, अभी उनको यूट्यूब चैनल में जोड़िए, और जब क्राइम फ्री भारत ऐप जारी हो जाएगा तो फिर उनको विधिवत मेंबर बनाएंगे। हमें शक्ति जो है इस सरकार से नहीं मिलने वाली है, हमें ना, ना, ना। हमें इन संगठनों से और इन नई पार्टियों से भी नहीं, इन पार्टियों से भी नहीं मिलने वाली है, अपने लाभ के लिए आई है, इन्हें आपसे क्या लेना देना। 1% मैं तो उम्मीद नहीं करता हूँ सर, कि जो भी एनजीओ है, संगठन है, भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान है या कोई संगठन भी है, वो आम आदमी के लिए कोई कार्य करने को तैयार ना है, सिर्फ स्वयं का, चलिए स्वयं को, चलिए स्वयं को, स्वयं की पहचान बनाते हैं, स्वयं का कार्य करते हैं। एक बार महेश जी दोहराइए कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा, क्या पाया, और आपकी अब जो आज से एक्टिविटी होंगी उनमें क्या करेंगे आप, ये बताइए, या आप कहें तो मैं दोहरा देता हूँ। आप दोहरा दो, आप दोहरा दो। चलिए, तो पहली बात तो हमने ये निर्णय ली है कि भांति भांति के लोग हैं, वो स्वार्थी हैं, वो जो है संगठन या किसी से भी जुड़े हैं,
वो संगठन में अपना हित खोज रहे हैं, वो आपके हित से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके उनके अपने अनुभव खराब हैं, वो जो है कोई अच्छी बात ना तो सुनने के लिए तैयार है, ना एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है। तो हम अपनी बात जारी रखें, जब आज नहीं तो कल, उनको परसों कभी ना कभी समझ में आ जाएगी, आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आ जाएगी तो ठीक है, ठीक है ना। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है रोज लगाना है, दिस इज द सेकंड निर्णय, ठीक है ना। अब हमें तीसरी निर्णय की बात करना होगी कि चूंकि हम सभी लोग बिजी हैं, सभी लोग ग्रस्त हैं, हम तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी सामाजिक जिम्मेवारियां ना हो, ठीक है ना, हर एक नागरिक की है, राइट। तो उन जिम्मेवारियों के कारण हम जो पहले उन जिम्मेवारियों का निर्वहन तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि परिवार का विषय है, सबका विषय है, राइट। तो हम जो है उसको कई सीजन में बांट सकते हैं, कई सीजन में आप 10 घंटे 12 घंटे बिजी रहते हैं, कई सीजन में आप 6 घंटे बिजी रहते हैं, और कईयों में तो 2-3 घंटे ही से या उससे कम भी बिजी रहते हैं, राइट। जिसमें आप लोग पत्ते खेलते हैं, जिसमें आप लोग जो है ना मनोरंजन के लिए कई बार रामायण पढ़ते हो, कुछ कुछ करते हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है वहां पे आला बहुत पढ़ा जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये काफी टाइम पहले पढ़ा, 20 साल पहले ज्यादा पढ़ी जाती, अब उतना रुचि ना है इसमें। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं बचपन में था, मैं गांव में था, तो जो मैं वो देखा हूँ मैं उसको याद करके कह रहा हूँ। ये 70 के दशक की बात आप कह रहे हैं। हाँ 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 तो आप जो है अपने पूरे साल, आप अपने अपने पूरे साल को 2 या 3 भागों में बांट लीजिए, राइट। और आपकी जो कृषि और उससे रिलेटेड जो आपके कमिटमेंट है उसमें कितना समय लगेगा, तो जब आपके पास ज्यादा समय है उस समय 4 घंटे इस काम के लिए निकाल लीजिए, राइट। जब आपके पास कम समय है तो 2 घंटे कर दीजिए, और जहां सबसे कम समय है उसके लिए भी 1/2 घंटे का समय पहले से रखिए, ठीक है ना। इसका मतलब है 1/2 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, राइट। ये 3 कैटेगरी में हमने पूरे 12 महीने को बांट दिया, ठीक है ना। अब पहले से प्लानिंग होना चाहिए कि जब हमारे पास 1/2 घंटा अवेलेबल है तो हम कैसे उसको क्रिटिकली यूज करें, और करना क्या है, हमें अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठी करना है, राइट। और जहां संगोष्ठी करेंगे वहां पे वीडियो ऑडियो दिखाया जाए, और उनको भी रिक्वेस्ट किया जाए कि वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठी करें, राइट। आपसे जो अपने से बड़ा व्यक्ति यदि आप समझ रहे हैं तो उसको जो है ना वो शायद आपकी बात को ग्रहण करने में उसे दिक्कत होती है कि मैं छोटा हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इस भय से भी वो ग्रहण नहीं कर रहा हो, नहीं मान रहा हो कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ, आप मुझे ज्ञान क्यों बांट रहे हैं। यही बात है। तो वो जो है आपको छोटा करने के लिए कई बार आपकी बात नहीं सुनता है, अरे वो दुआ, दुआ भी, आप एक सामान्य, वो एक दुआ भी तो गया था, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। लेकिन ये बुद्धिमत्ता इनमें, इन दुष्ट लोगों में नहीं है ना। जो बात आप कह रहे हैं कि साधु आपको मान लेंगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो जो है ना आपकी बात प्रवचन कहलावज बन जाएगी, राइट। लेकिन वो आपको साधु नहीं मानेंगे ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ साधु का मतलब है सज्जन, ज्ञानी, अच्छी बात करने वाला, समाज का हित चाहने वाला, अपने हितों से ऊपर हो, ऐसा व्यक्ति, राइट। तो अब हमको जो है पहले से प्लान होना चाहिए 7 दिन का, कि जो 1/2 घंटे हमको मिल रहा है, 2 घंटे या 4 घंटे मिल रहे हैं, हमें कहाँ यूज करना है, राइट। इसका मतलब है मोहल्ले वाइज जो भी आपका प्रभाव क्षेत्र है, पहले मोहल्ले खत्म हो गए गांव के तो हम दूसरे गांव में जा सकते हैं, उसमें जो है हो सकता है लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो तो हम उनके मोहल्ले वाइज एक अलग अलग दिन पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि हम एक शेड्यूल बनाएंगे तो हम लोगों में जागृत कर पाएंगे, उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जोड़ पाएंगे, और हम आगे चल के उनकी संयुक्त जो है ना संगोष्ठी भी कर सकते हैं, जिसे डिजिटली या समय आने पर फेस टू फेस हम सीधे भी संबोधित कर पाएंगे।
ठीक है ना, तो हमें वो एनर्जी और विश्वास। अच्छा दूसरी बात है कि सामने वाले का तो कोई खर्च हो नहीं रहा है, उससे तो चंदा कोई मांग नहीं रहा है, उससे तो कोई वोट देने के लिए कह नहीं रहा है, भाई आपका नुकसान क्या है, ठीक है ना। और यदि नहीं भी हो पाता तो आपसे कुछ छुड़ा तो रहे नहीं, आपको दिल्ली चल के जो ना जंतर मंतर पे जो है ना अनशन करने के लिए तो कह नहीं रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है। हम ये कह रहे हैं चलो गलत भी है तो भी दिक्कत क्या है, दिक्कत है कुछ, आपसे कुछ ले रहे हैं क्या भाई। आपसे अज्यूम करिए कि हम आधा घंटे से बात कर रहे हैं, तो मैं अपने क्रिटिकल समय में से इतना समय का दान तो कर ही रहा हूँ ये कॉज के लिए। इस समय जहां पे कि हर आदमी इतना स्वार्थ है, स्वार्थी है कि एक मिनट दूसरे के लाभ के लिए यूज नहीं करना चाहता है, उस समय आधा घंटे 35 मिनट 40 मिनट जो है इस काम के लिए लगाना अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सही बात। एक पूरी थॉट प्रोसेस लाना, फिर उसको जमीन पे उतारने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी लाना, और सिस्टम जो कि दुष्ट बन गया है उसकी दुष्टता को समाप्त करते हुए जनता का कल्याण करना, इतना एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। हाँ, वो सामने तो वाला है। तो आपको मूर्ख बना के आपके वोट को हासिल करके खुद नेता बन के आपको जो है एक सामान्य व्यक्ति और खुद को अपना दरबार हासिल करना चाहता है, अपना मेहमान वंदन करना चाहता है। यही कारण है कि आपका जो चाहे सरपंच हो चाहे कोई हो, जैसे ही हाँ। वो सरपंच बनता है उसके यहाँ गाड़ी आ जाती है, मालूम नहीं क्या क्या आ जाता है हाँ। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है उसके पास। और यही बात बड़े नेताओं की भी है। अरे ये पैसा जो आता है विकास के लिए, ये है तो जनता का पैसा। नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये हमारी व्यवस्था इतनी खराब क्यों है, और ये व्यवस्था जो है इनको पैसा ये व्यवस्था खराब की है, ये व्यवस्था इनको पैसा कैसे खाने दे रही है। इस व्यवस्था में हमें तत्काल परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो पब्लिक मनी के कस्टोडियन है उन्हें जेल भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये नहीं, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था लाएंगे क्या, ये मूर्ख होंगे जो खुद आनंद उठा रहे हैं व्यवस्था का, वो ऐसी व्यवस्था क्यों लाएंगे। ना वो तो नहीं लाएंगे, वो कभी नहीं लाएंगे, जीवन भर नहीं लाएंगे, वो तो ये जानते हैं इसका भी खराब व्यवस्था रहे। इसका मतलब है कि या देखिए नियम कानून और ये सब चीजें तो वो ही बनाएगा जो कि चुनकर जो है पार्लियामेंट में पहुंचेगा। हाँ राइट, तो या तो हम जो ऑलरेडी आज हमारे बोर्ड से चुने हुए लोग हैं उनको विवश कर पाए, और यदि हम उनको विवश नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें उनके उनको बदलने के लिए जमीन पे उतरना ही होगा। हाँ। क्योंकि आप तब तक कुछ बदलाव नहीं ला पाएंगे जब तक आप पार्लियामेंट के मंदिर में नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे। आपके पास पूरे 545 के 45 होना चाहिए। जब आपके पास पूरी रणनीति है, आप पार्टी विहीन जो है चुनाव व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप कर विहीन जो है अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के लिए 4 गुना पैसे की बात कर रहे हैं, आप अपराध मुक्त भारत की बात कर रहे हैं जहां आपको थाने भी ना जाना पड़े, जहां पे आपके आपको जो है ना न्याय बिना कोर्ट जाए हो जाए, ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और आप उसमें समृद्धि की भी बात कर रहे हैं, किसानों की आमदनी 4 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और हम इतने भयानक ज्वालामुखी पे बैठे हैं कि यदि हमने अपन में बदलाव नहीं लाया तो भारत के हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर से सफर करेंगे और 1 व्यक्ति उसे अटेंड करेगा, तो पूरा पूरा देश जो है कैंसर की विभीषिका से जूझेगा। तो हमारे पास बहुत सीमित समय है, सीमित विकल्प हैं। ये दुष्ट वो बदलाव नहीं लाएंगे। यदि कोई आपके साथ टॉर्च लेके पूरी व्यवस्था के साथ आ रहा है और यदि आप उससे असहमत हैं तो हमसे साथ साथ करिए ना, हम आपको कन्विंस करेंगे। हम तो आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आप छोटे से किसान हैं, आप बीजी से कैसे बात कर रहे हैं। हम तो धैर्यपूर्वक आपके जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उनका धैर्यपूर्वक जवाब दे रहे हैं और कन्विंसिंग जवाब दे रहे हैं, और आपकी आपकी सहमति है कि नहीं है, आपने समझ में आया कि नहीं आया, ये भी पूछ रहे हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि नहीं साहब ये ढकोसला है, कुछ नहीं होगा, ये कहीं एक और केजरीवाल मेकिंग में तो नहीं है, इस तरीके की यदि आपको सवाल दिमाग में आ रहे हैं तो आप शास्त्रार्थ में हमारे ऊपर वो बात करिए ना, हमसे शास्त्रार्थ करिए ना, हम आप हम वीडियो कॉल लगा के आपसे वीडियो पे बात करेंगे।
उसे जो है क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश भी करेंगे। ये बदलाव जो है राजनेताओं के माध्यम से नहीं आएगा, जैसे कि पुराने समय में आसुरी शक्तियों से लड़ाई जो करने के लिए आपको वरदान प्राप्त करना होते थे, आपको शक्तियां प्राप्त करना होती थी, आपको शस्त्र प्राप्त करना होते थे, फिर अस्त्र शस्त्र वरदान और उन शक्तियों से लस जो लैस होकर फिर आप आसुरी शक्तियों का मुकाबला भी करते थे और उन्हें नष्ट भी करते थे। यदि आप भूल से इन आसुरी शक्तियों से सीधे भिड़ेंगे तो ये आपको समूल नष्ट कर देंगे, बिल्कुल नष्ट कर देंगे। और कराने तो हमें इनसे बात ही नहीं करना चाहिए, हमें शक्ति प्राप्त करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। और डेमोक्रेसी की तपस्या है कि जन जागरण, जनता को जोड़ो, जनता की आवाज बनो और जनता को अपनी आवाज बनाओ, क्योंकि जनता की बात हम नहीं कहेंगे, जनता की बात जनता अपनी थाली से, अपने दीपक से और हमारा वीडियो चला के कहेगी, क्योंकि मैं जो है ना वो जनता की बात कहूंगा तभी तो जो जनता उस वीडियो को चलाएगी। तो हम जनता की आवाज बन गए और जनता हमारी आवाज बन गई है। जनता जब अपनी आवाज बोलेगी तब इन अंधे और बहरे राजनेताओं को सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा और शायद वो बेबस भी हो पाएंगे, ना चाहते हुए भी व्यवस्था में वो परिवर्तन करेंगे जो हम चाह रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हम 545 अच्छे लोगों को खोज के पहले से ही इन 2 साल में खोज के रखें और फिर क्राइम फ्री भारत एक पार्टी के रूप में अवतरित होके इनको हटा दें? और यदि ये अपनी बात पूरी मान लेते हैं तो इनको पूरी तरह से जिताया जाए, इनको सिर पर बिठाया जाए, क्योंकि ये दुष्ट होने के बावजूद भी विवश होने के लिए और आपकी इच्छा शक्ति से काम करने के लिए तैयार हैं। इससे अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, चाहे वो अंदर से दुष्ट ही क्यों ना। बिल्कुल सही। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हम बैठे, सवाल ये है कि काम होना चाहिए, काम होना और यदि आज बैठा हुआ व्यक्ति ये काम कर रहा है तो कहते हैं ना कि जो हाथ में है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। भविष्य में जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं। तो यदि आज के राजनेता चाहे विवश होकर ही उन सब नियमों और कानूनों में परिवर्तन ले आते हैं तो उनका एसोगान करने की भी जरूरत है, उन्हें सिर पर बिठाने की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आओ हम लोग मिलके उस अलख को जगाएं, उस जागृति को पैदा करें और इसमें जो है हम बड़े लोगों की तरफ ना देखें, क्योंकि बड़े लोग जो है स्वार्थी हैं, वो अपने लाभ के अलावा बहुत छोटे निजी स्वार्थ से ज्यादा बिल्कुल भी कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जो जोड़ते हैं संगठन को, आम आदमी को जोड़ते हैं, आम आदमी को इसलिए जोड़ते हैं कि उन्होंने दिखाने के लिए आम आदमी को जोड़ लेते हैं और स्वयं का काम करने के लिए उनसे कोई सरोकार नहीं रखते। उनका काम कैसा है, उनको क्या परेशानी है, उन्हें क्या घर में दिक्कत है। देखिए अभी जो है शक्ति धारण का काम है, आप यदि उनकी समस्याओं को दूर करने जाएंगे तो शायद आप में कुछ समय बाद वो शक्ति पैदा हो जाएगी, अभी ये दुष्ट सिस्टम तो वो करने ही नहीं देगा। तो उनको उनको जो है हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं तो उनको अभी क्यों लगना चाहिए कि सभी समस्याएं 2 दिन में खत्म हो जाएंगी। जब आप शक्ति धारण कर लेंगे तो समस्याएं 1 दिन में पार्लियामेंट जो है ना रातों में लगेंगी, कोर्ट रातों चलेंगे, 24 घंटे चलेंगे, न्याय मिलेगा। थाने जो है ना आपके घर के द्वार पे पहुंच जाएंगे, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बदलाव तब ला पाओगे जब हर छोटे से छोटा व्यक्ति, किसी को छोटा तो मानना ही नहीं है, जो नहीं, बड़ा नहीं। है वो खुदगर्ज है, वो मक्कार है, वो बदमाश है, वो अपने हित के बारे में सोच रहा है, वो अपने पद का हमें क्या लाभ होगा इसके बियॉन्ड सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इतना स्वार्थी है, वो विद्वान भी है तो वो आपके शब्दों में कहेगा कि आपको फायदा है लेकिन वो अपना फायदा देखना चाहता है, अपना फायदा देखना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही बात है। ये पूरे समाज में ये बात है, ग्रामीण क्षेत्र में कहा, शहरी क्षेत्र में कहा, और ग्रामीण क्षेत्र में तो थोड़ी बहुत बात मान लेते, शहरी क्षेत्र में तो यदि हम लोगों को जोड़ के
चाहे उनके प्रभाव क्षेत्र में दो लोग ही क्यों ना हो, यदि हर व्यक्ति अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार करने के लिए तैयार हो जाता है तो हम एक दो महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। फिर जैसे ही उसमें पहुंचते हैं तो हम वर्तमान सरकार से कहेंगे कि भाई ये काम इतने समय में करके दिखाओ, नहीं तो फिर हम आपको जो है ना ये चीज करेंगे। यदि आपने 24 तक ये सब नहीं किया तो 24 में आपको बदल भी देंगे। अब तक जो है जब हमें हमारे तरफ जो है ना 50 करोड़ या 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, नेता वेता सबको बाहर करिए, उसमें आम आदमी से जोड़िए, जो व्यक्ति जो है साधारण है उसको महत्व दीजिए, जो व्यक्ति गरीब है उसको महत्व दीजिए। आपको उससे पैसा तो चाहिए नहीं है, यदि आपकी उसकी दुख भरी बात सुन लेंगे तो उसका उतने में ही आत्मा शांत हो जाएगी। हाँ वही चीज तो है, वही चीज तो। और ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ये उससे सरोकार नहीं रखते, उसके दुख दर्द से सरोकार नहीं रखते, वो स्वयं का हित हो उसमें, तब तो आपसे बात भी करेंगे, आपके साथ भी होंगे, सब काम के लिए तैयार भी। वो कहेंगे कि अच्छा मैं जुड़ रहा हूँ, आप मुझे कौन सा पद दे रहे हैं, यहाँ कोई पद बद नहीं मिलने वाला है। और यहाँ इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम जो है कोई पार्टी बनाएंगे, राइट? क्योंकि हमारा वचन क्या है कि यदि ये लोग विवश होके वो सब काम कर देते हैं जो कि हम चाह रहे हैं तो हम इन्हीं को सिर पे बिठाए ना। ये दुष्ट होने के बावजूद भी कम से कम इतने अच्छे तो है कि विवश हो जा रहे हैं, दूसरे दुष्ट लोग विवश होंगे और वो सब करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं। तो जो हाथ में है उसको पकड़ो जोर से, जो ऊपर जो फल से गिरने मिलेगा पेड़ से उसको तो जब मिलेगा तब देखेंगे, अभी तो किसी को पकड़ो, राइट? और यदि ये लोग जो है वो सब चीजें करते हैं तो हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को 545 वोट सीट दिलाएंगे, पूरी शक्ति उनके पीछे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप स्वार्थी हैं, आप अपने लाभ की बात सोच रहे हैं, आप अपने आप को वहां स्थापित करना चाहते हैं, तो आपका ध्येय वहां स्थापित करना नहीं होना चाहिए, आपका ध्येय वो चीजें होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो क्या हासिल करना चाहते हैं उस पर आपकी नजर होना चाहिए, मछली की आंख जैसा, राइट? और जिससे कि आप जो ना घूमती हुई इस मछली की आंख को भेदन कर सकें, और आपको आंख के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। और यदि आंख को का भेदन आपके वर्तमान जो है ना दुष्ट लोग भी कर देते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे दुष्ट अच्छे हैं, उन्हें सिर पे बिठाना है, जो कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, तो ऐसे दुष्ट अच्छे हैं जो आपकी बात सुन के अपना रंग बदल के आपके हित का काम कर देते हैं और आपके दबाव में रहते हैं, तो आगे भी दबाव में रहेंगे वो। यही होना चाहिए ना। हाँ, तो फिर जो है अब इसमें अपन वो भी बांट देंगे कि भाई जो अपने ऊर्जा से जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको अपन पदों को भी बांट देंगे, लेकिन वो पद किसी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होंगे, उसको सत्ता में का कोई स्कोप नहीं है, राइट? वो केवल मजबूरी होगी, जो निर्णय जो है 2024 में लिया जाएगा कि क्या क्राइम फ्री भारत को क्राइम फ्री भारत पार्टी के रूप में अवतरित होना है या नहीं होना है। और ये निर्णय तब लिया जाएगा जब अपन ये चाहेंगे कि ये वर्तमान के नेता अपने अहंकार में विवश होने के लिए तैयार नहीं है, तब इनको आपको नष्ट करना होगा, तब इनको जो है ना इन्हीं के गेम में हराना होगा। और इस देश में 545 तपस्वी जनवस्थी से पूरे एरिया से हम नहीं खोज पाएंगे, होगी कि वो नेता नहीं होना चाहिए, नेता नहीं नागरिक चाहिए, नेता चाहिए ही नहीं, ना नेता ही कोई जरूरत ही नहीं, नेता क्यों चाहिए, इनमें ऐसा क्या है, ना शिक्षा है, ना सोच है, अपराधी ऊपर से हैं, अपने चारों तरफ गुंडों को रखते हैं, गुंडों से आपके ऊपर अत्याचार कराते हैं, जब आप उनके दरबार में जाते हैं तो अपने गुंडों से कह देते हैं अच्छा भाई ये अपना आदमी है इसके ऊपर अत्याचार मत करो, तो जो अपना आदमी नहीं है उसके ऊपर अत्याचार करो, थाने जाओगे तो थाने में सुनवाई नहीं होगी, आप जो है सालों साल आप कोर्ट में घिसटते रहेंगे, ये इतनी घटिया न्याय व्यवस्था है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। यही न्याय व्यवस्था तो बदलनी है। ये न्याय व्यवस्था बदलने का काम जो है पार्लियामेंट में बैठ के किया जाता है, तो जो पार्लियामेंट में बैठा है या तो हम उसे विवश कर पाए, और यदि वो अपने अहंकार में विवश नहीं होता है तो क्राइम फ्री भारत को पार्टी के बतौर अवतरित ही होना होगा,
और 2022 से 2024 के बीच में उन सब तपस्वियों को पहले से आइडेंटिफाई करना होगा, 545 जगह गए 5000 लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। और उन 10 में से किसको जो है ना आपका प्रतिनिधि बनना चाहिए वो एक सोच विचार के वो तय करना चाहिए, राइट। और फिर बिना चुनाव प्रचार के उसको जिताया जाना चाहिए, बिना चुनाव प्रचार के। जब वो पब्लिक का ही आदमी है तो चुनाव प्रचार क्यों करना हमको? ना ना नहीं करना है, राइट, बिल्कुल सही। तो ये इसके अलावा मुझे कोई विकल्प नहीं दिखता है। महेश जी यदि आपको दिखता है तो आप बताइए ना। इसके ये तो ये लास्ट है, तो बस फिर मत चूको चौहान। चलिए, मेरे ख्याल से लंबी बात हो गई है ना। बात तो लंबी हो गई। वो ये कह रहे थे, हाँ, नरेंद्र पाल जो आर्मी से रिटायर थे, हाँ, बोले सर से, आप फिर हम जो बात करवाई तो बोले सर से कहना कि जो दिखता है वो ही बिकता है। उनका कहने का तात्पर्य क्या था वो मैं आपको बताऊं। हाँ, वो ये कहना चाहते थे हमें क्राइम फ्री भारत की तरफ से सर की तरफ से पहचान मिलनी चाहिए हमें कुछ। हाँ, वो पहचान मिलेगी, वो मिलेगी। हाँ, वो और लेकिन कुछ नहीं, वो पहचान आप किसी अधिकारी को जाके नहीं दिखा सकते हैं। ना 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 ना, वो पहचान आपके लिए है, वो अपने संगठन के लिए है, लोगों को बताने के लिए है कि मैं इसका पदाधिकारी हूँ, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। वो बात आप जाके कलेक्टर को नहीं बता सकते हैं, थानेदार को नहीं बता सकते हैं कि साहब देखो मैं क्राइम फ्री भारत का सदस्य हूँ, क्योंकि वो मतलब नहीं, वो हमने प्रतिबंध लगा के रखा है। हाँ तो सही है, क्योंकि यदि आप थाने में जाके बताएंगे तो थानेदार हमको फोन कर देगा, मुझे तो पूरी पुलिस जानती है पूरी इंडिया की, राइट। अब जो है वो मुझे फोन करेगा तो मैं आपकी सदस्यता ही खत्म कर दूंगा, आपके गांव में ही इश्तेहार लगा दूंगा कि फलाने फलाने की सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, और ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि जब आप जाओगे और आप कोई ऐसी बात करोगे जिसमें सामने वाले की गलती होगी, तो यदि वो आप उसकी गलती होगी और वो आपके क्राइम फ्री भारत का बिल्ला देख के आपकी बात सुन भी लेता है तो कहेगा कि अच्छा चलो भाई अभी तो हमने सुन ली है बात, अब ये महेश के बहुत दिमाग खराब हो गए, इसको निपटाना है। और जैसे ही कोई झूठी मोटी शिकायत आपके खिलाफ पहुंच गई तो वो आपको रगड़ देंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले से सोच के रखा है कि महेश को रगड़ना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाखूबी समझ रहा हूँ, ऐसी कोई बात ना है। तो इसलिए ये सब जो है डूज और डोंट बनाए हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीजें 2 साल पहले सोच के ऑलरेडी लिखित में जारी हो चुकी है। अच्छा, अभी मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को कहता हूँ कि वो जो है इसको फिर से लोगों को जारी करे, और बहुत जल्दी हम इसका एक ऐप जारी करेंगे जिससे पहचान पत्र से लेके हर चीज जो दी जाएगी। वो पहचान पत्र आप लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए तो दिखा सकते हैं, हाँ। लेकिन आप किसी अधिकारी से नहीं मिल सकते हैं, आप थाने में जाके उसे नहीं दिखा सकते हैं। यदि हमें ये मालूम पड़ा कि ऐसा आपने किया है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी और आपकी मेंबरशिप और पद दोनों खत्म हो जाएंगे। क्योंकि लोग बाग जो पद लेते हैं ना वो अपने अपने शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, हाँ, स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए होता है, निजी स्वार्थ के लिए। तो यहाँ स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप स्वार्थी बन जाओगे तो आप में और इन काले नेताओं में क्या फर्क है? नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। तो आप इस बात से सहमत हैं कि जो नियम कानून डूज और डोंट हमने बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं? बिल्कुल सही बने, ऐसे ऐसे ही बनने चाहिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी बात हो गई है, हमें अब अपनी वाणी को विराम देना ही होगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।